एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वीनस सिंबल के बारे में. अगर आप लोगों को नहीं पता तो वीनस गॉडेस होती है एंड उनका सिंबल ये होता है. बेसिकली शुक्र ग्रह का सिंबल भी होता है वीनस. फ्राइडे का सिंबल आप इसे कह सकते हैं, आपको जो सही लगता है आप इसे मानिए, बट मैं इसे गॉडेस वीनस का सिंबल मानती हूँ एंड इसके बहुत सारे मैजिकल बेनिफिट्स हैं. सिंबल्स हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, सदियों से सिंबल्स चले आ रहे हैं, सिजल्स चले आ रहे हैं, या फिर अगर आप रेकी में हैं आपने देखा होगा रेकी का एक सिंबल जैसे आप ड्रॉ करते हैं पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, पूरी एक अलग ही एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है. राइट, सो सिंबल्स बहुत ही पावरफुल है. सिंबल डेफिनेटली मैजिकली काम करते हैं. सो आज हम लोग बात करेंगे वीनस सिंबल के फायदों के बारे में, प्लस आप किस किस टाइप के स्पेल वर्क कर सकते हैं, फिर किस किस चीज़ के लिए आप स्पेल वर्क कर सकते हैं. बात कर लेते हैं पहले कि आप इस सिंबल को किस किस टाइप की चीज़ों में यूज कर सकते हैं. सबसे पहली चीज वीनस जो है, अगर आप वीनस को देखें तो वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर वीनस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. पहला आपकी लव लाइफ, आपकी ब्यूटी. अगर आप लग्जीरियस लाइफ या फेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं. अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में आपका कोई लव रिलेशनशिप है खराब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तब आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं. अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, स्किन इश्यूज हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज हैं ब्यूटी से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं. अगर आप बहुत ही अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ऑरा को बहुत स्ट्रांग एंड एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी लाइक कि आपको कोई भी देख के बिल्कुल यू नो इग्नोर ना कर पाए, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, तब आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में फेम चाहते हैं, मनी फेम, देन दिस इज द वन फॉर यू. अगर आप बहुत ही यू नो ग्लैमरस लाइफ चाहते हैं, अगर आप ग्लैमरस लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, लाइक फैशन हो गया या कोई भी ऐसी ग्लैमर इंडस्ट्री है, अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं. करियर स्पेल में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, स्पेशली वो करियर जो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, या फिर अगर आप यू नो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कोई भी आप यू नो एक पब्लिक फिगर बनना चाहते हो, आप स्टिल ये वाला सिंबल आप यूज कर सकते हो. या फिर आप कोई डोमिनेशन वाला काम करना चाहते हो, डोमिनेशन मतलब कि आप किसी पर्सन से कुछ काम करवाना चाहते हो, डोमिनेट करना, डोमिनेशन वाला काम करना, जैसे फुट स्पेल अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो कि अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्सन हमारा काम करे तो हम वो डोमिनेशन स्पेल कर सकते हैं. राइट, तो ये डोमिनेशन के लिए भी सिंबल को हम यूज कर सकते हैं. ठीक, सो बात कर लेते हैं आप इसे किस टाइप के स्पेल वर्क में यूज कर सकते हैं. हमने किस किस चीजों के लिए करना है ये चीज जान ली है. राइट, अब हम जानेंगे इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं. पहला सिंपल तरीका ये है, मैनिफेस्टेशन हर्ब लेना है, दैट इज बेलीफ, तेज पत्ता लेना है जिसको मैनिफेस्टेशन हर्ब बोलते हैं. उस पर अपनी एफर्मेशन को लिखना है, जो भी आपकी एफर्मेशन है इनसे रिलेटेड, जो भी आपकी एफर्मेशन है जो मैंने आपको पीछे ऑप्शंस दिए हैं उनसे रिलेटेड, एक विश लेनी है, अपनी एफर्मेशन लेनी है, ठीक है, लिख देनी है. उसके बाद रेड कलर के मार्कर से परमानेंट हो बेटर है, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल मिट जाए, खराब हो जाए, वो चीज़ ना हो, अच्छा सा परमानेंट मार्कर हो रेड कलर का. आपने इस सिंबल को अपनी एफर्मेशन के ऊपर ड्रॉ कर देना है, बेलीफ ली, उस पर अपनी एफर्मेशन लिखी, उसके ऊपर आपने रेड कलर से इसको ड्रॉ कर देना है. होल्ड कीजिए, मेडिटेट कीजिए इस बेलीफ पे, विजुलाइज कीजिए जो भी आपकी इंटेंशन है, उसमें इमोशंस ऐड कीजिए जैसे कि वो काम हो रहा है. उसके बाद उसे बर्न करके उसकी एशेस को बस हवा में उड़ा दीजिए, थैंक यू सो मच गॉडेस वीनस करके आप इसे लेट गो कर दीजिए. सिंपल सा वर्क आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है. एंड एक चीज मैं बोलूंगी, सिंस इट्स वीनस यानी कि शुक्र यानी कि फ्राइडे, अगर आप ये चीजें फ्राइडे को करते हो तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग आते हैं. ऑब्वियसली आप और दिन भी कर सकते हो, बट जो फ्राइडे के दिन का इसका एसेंस होगा वो कुछ अलग ही होगा, तो ट्राई करें इसे फ्राइडे में करने का. अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट तरीके की, कि आप इसे नेक्स्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं. जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, कोई एफर्मेशन लिख रहे होते हैं, जर्नलिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मली राइटिंग टेक्निक आप कोई कर रहे होते हैं, 369 टेक्निक है, या कोई भी 555 चल रही है, 222 चल रही है, 777, कोई भी एक्स वाई जी काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लिखने वाली टेक्निक चल रही है, उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं पे आसपास साइड में आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. ये बेसिकली आप मैनिफेस्टेशन, किसी भी टाइप के मैनिफेस्टेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी जो विश है वो इस टाइप की कैटेगरी में फॉल होती है जो मैंने आपको बताया है, तो आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं. पर याद रखना, आपने इसको रेड कलर के स्केच पेन से बनाना है. ब्लू कलर आप यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ रेड को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आपने क्या करना है, एक रेड कलर की कैंडल लेनी है, रेड हो तो बेटर है, अगर रेड नहीं है सिंपल व्हाइट कैंडल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है.
वाइट बेसिकली हर एक टाइप के स्पेल वर्क में काम आती है. इसका लाइक न्यूट्रल कलर है. अगर आपके पास कोई और कलर नहीं है आपके विश के अकॉर्डिंग, तो वाइट ऐसा है कि वो सब पे जाएगा. ठीक है, आपने क्या करना है, कैंडल लेनी है, कैंडल को क्लेंस कर लेना है. अगर आपके पास धूप बत्ती है, कुछ भी है, धुआं उसका स्मोक होता है, उसमें आप उसे घुमा दीजिए एंड विजुलाइज कीजिए जो भी नेगेटिविटी है कैंडल से वो हट रही है. इसके बाद आपने क्या करना है, इस सिंबल को कार्व करना है, या कोई भी पेनी चीज़ लेके, शार्प चीज़ लेके, कोई शार्पी लेके आपने इस सिंबल को कार्व कर देना है. ठीक है, कैंडल को होल्ड करना है, जो भी आपकी इनमें से विश है, जो भी आपकी इंटेंशन है, उस पर मेडिटेट करना है, विजुलाइज करना है जैसे कि वो चीज़ हो रही है, एंड विजुलाइज करना है कि वो सारी की सारी जो आप पिक्चर्स है, विजन्स बना रहे हैं, वो सारा का सारा आपके हाथ के थ्रू उस कैंडल में चैनल हो रहा है. उसको ऐसे पकड़ लेना है कैंडल को एंड विजुलाइज कीजिए कि वो सारी की सारी इंटेंशन उस कैंडल में जा रही है. उसके बाद इस कैंडल को लाइट कर दीजिए एंड दैट इज़ इट. आपका काम हो गया, आपका छोटा सा स्पेल हो चुका है. अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की. आप इसे मनी रिचुअल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसके लिए ग्रीन कैंडल ले सकते हैं. वही सेम चीज़ करनी है, ग्रीन कैंडल लेनी है, उसमें एक कार्व करना है, जो भी आपकी इंटेंशन है विजुलाइज करनी है, एंड येस इट शुड बी जेन्यून. ठीक है, सपोज करो आप कोई जॉब नहीं करते हैं, स्टिल यू वॉन्ट टू बी लाइक अ मिलियनेयर कि मुझे एक दिन में इतने पैसे आ जाए, तो वो ऑब्वियसली फिर नहीं हो पाएगा. राइट, इट शुड बी लॉजिकल. ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवाइयाँ, वो चीज़ नहीं करनी है. तो आपने ऐसा करना है, ग्रीन कैंडल लेनी है, अदरवाइज आप एक और कर सकते हैं. आपने क्या करना है, बे लीफ लेनी है, अपनी इंटेंशन को लिखना है, अपनी मनी से रिलेटेड इंटेंशन लिखनी है. उसके बाद इस सिंबल को बे लीफ पे बना देना है, उस एफर्मेशन के ऊपर, एंड उसे बर्न कर देना है बाहर, उसको उसकी एशेस को ब्लो कर देना है, उड़ा देना है. इतना करना है. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. आपको फर्टिलिटी इश्यूज हैं, कंसीविंग इश्यूज हैं, या फिर पीरियड्स टाइम पे नहीं आ, उस केस में भी आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, आपने सिंपली व्हाइट पेपर लेना है, रेड कलर से आपने सिंबल को ड्रॉ कर देना है. ठीक है, उसके बाद एक एफर्मेशन लेनी है. एफर्मेशन जैसे कि मेरा ये काम हो चुका है, या फिर जो भी आपके एक्सवाइजी, अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, या फिर यू नो उस टाइप की आपकी विश है, एक्सवाइजी जो भी आपकी विश है, मनी से कुछ भी आपकी विश है, उसको आपने सिजिल के नीचे लिखना है, उस पेपर को होल्ड करना है, अपनी इंटेंशन को विजुलाइज करना, उसमें इमोशंस ऐड करने जैसे कि वो चीज़ हो रही है एज ऑलवेज, उसके बाद उसे बर्न कर देना है, उसे बाहर आपने उड़ा देना है. आप ये चीज़ भी कर सकते हैं. तो आप इस तरीके से गॉडेस वीनस की हेल्प ले सकते हैं, एंड जब भी आप ये रिचुअल्स करेंगे गॉडेस वीनस को प्रे कीजिए कि प्लीज़ मेरे जो काम है ये कर दीजिए, या फिर मेरा ये काम हो चुका है. आप जिस टाइप से कंफर्टेबल फील करते हैं आप कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली ऐसा बोलना पसंद करती हूँ कि थैंक यू सो मच गॉडेस वीनस, मेरा ये काम हो चुका है, लाइक इन प्रेजेंट टेंस. तो अगर आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, बट हाँ, आप जितना पेशेंस के साथ, कनेक्शन के साथ, कनेक्शन बना के उनके साथ काम करेंगे, वो उतनी जल्दी आपके लिए काम करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे. टू बी ऑनेस्ट, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, बट फ्राइडे के दिन, सिंस ये वीनस है, तो वीनस का जो डे होता है वो हमारा शुक्रवार होता है, फिर फ्राइडे होता है, तो दैट्स व्हाई मैं इस पर इतना प्रेशर कर रही हूँ कि फ्राइडे को इसे यूज़ करें, बिकॉज उस दिन अलग ही एनर्जीज होती हैं. राइट, तो आप ट्राई करें फ्राइडे को स्पेल करने का. अदरवाइज आप इसे फुल मून या न्यू मून पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है. अगर फुल मून या न्यू मून है तो डेफिनेटली इनको चूज करें, बट अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, फ्राइडे के दिन स्पेल को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो आप इस तरीके से गॉडेस वीनस की हेल्प ले सकते हैं, कनेक्शन बनाइए लविंग एनर्जी के साथ, उनसे काम करेंगे तो आपके काम भी होंगे. ये चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, जिससे कि आप यू नो कनेक्शन बना पाए. हमेशा मांगना इज नॉट एवरीथिंग. राइट, जितना आप उस एनर्जी से कनेक्शन क्रिएट करेंगे उतना ही आपके लिए फ्यूचरिस्टिक वे में अच्छा है. सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय.